नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हेल्थ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है बवासीर, भगंदर, फीसर और फिस्तुला रोग से कैसे छुटकारा पाएं। जी हां, खूनी बवासीर से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो बहुत लोगों को फायदा हुआ है उससे। 95% से अधिक लोगों ने उसका फायदा उठाया है, लेकिन कुछ लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ है, जिसका कारण ये है कि उनको दरअसल बवासीर या खूनी बवासीर नहीं बल्कि फिस्तुला या फिर फीसर और भगंदर हुआ होगा। दरअसल हर कोई समझते होंगे कि बवासीर और फिस्तुला, भगंदर, फीसर सारे एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बवासीर में क्या होता है, बवासीर में दो तरह के मस्से होते हैं। अंदर की तरफ वाले मस्से में अगर आपको मस्सा फैल जाता है तो ब्लड ज्यादा मात्रा में आता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। और बाहर की तरफ जो मस्सा होता है उसके फैल जाने से आपको बेचैनी होती है, दर्द बहुत होता है, टॉयलेट नहीं होता है। ये जो परेशानी है इसका मेन वजह है कब्ज। आपने अगर अपने कब्ज का इलाज कर लिया तो आपका बवासीर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैंने आपको कब्ज के लिए कई सारे वीडियो बनाकर दिखाए हैं। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या करें कि आधा चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल ले लें और एक गिलास गर्म दूध में उसे डाल दें और रात को सोने से पहले उसे पी जाएं। ऐसा करने से भयंकर कब्ज जो है एक खुराक में दूर हो जाता है। आप अगले दिन बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, और जब आप फ्रेश हो जाएंगे, आपका कब्ज दूर हो जाएगा, तो आपके जो मस्से हैं वो अपने आप धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। अगर ब्लड आता हो तो ब्लड के लिए मैंने आपको बताया है क्या करें। नारियल के जट्टे को जलाकर उसका एक चुटकी ले लें और एक कप टोंड दूध वाला जो ताजा दही है उसमें उसे मिला दें और थोड़ा पानी मिलाकर लस्सी टाइप का बना लें, उसमें चीनी नहीं डालना है, और इसे सुबह खाली पेट में पीना है और रात में खाने से एक घंटा पहले पीना है और फिर सुबह खाली पेट में पीना है। मात्र 3 खुराक में आपका खूनी बवासीर जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अब बात है फिस्तुला और फीसर का। फीसर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। फीसर वो होता है कि अगर आपको कब्ज हो गया और आपको टॉयलेट नहीं होता है, आप प्रेशर लगाते हैं, खूब प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है, टॉयलेट के रास्ते में दरार फट जाती है, एक अलग से वो रास्ता निकालना चाहता है साइड से, क्योंकि टॉयलेट के रास्ते से आपको टॉयलेट पूरी तरह नहीं आ रही है, टॉयलेट अपना रास्ता दूसरी तरफ निकालने की कोशिश करता है, तो उससे आपके टॉयलेट के रास्ते में एक दरार आ जाती है, फट सा जाता है, इसे फीसर कहते हैं। इसका भी यही इलाज है जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन एक फिस्तुला होता है। फिस्तुला क्या होता है कि फीसर से ज़्यादा भयंकर हो जाता है। वो रास्ता बनाते बनाते आपके दूसरे तरफ की तरफ रास्ता बनाने में कामयाबी पा लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को टॉयलेट के रास्ते के बगल में एक दाना हो जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जैसे गुड़ा या बालतोर कुछ लोग कहते हैं। अगर आपके टॉयलेट के रास्ते में बगल में बहुत बड़ा दाना हो जाए और उससे पस निकलता हो, मवाद निकलता हो, ब्लड भी निकलता हो, तो इसको फिस्तुला कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें आपको नारियल वाले जट्टे से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपने अरंडी, कैस्टर ऑयल और दूध वाला जो मैंने आपको बताया वो नुस्खा यूज करना है। इसके अलावा आपको और भी कुछ करना होगा, क्योंकि कब्ज तो उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन जो ये अलग से एक रास्ता बन गया है, टॉयलेट के अलग से एक दूसरा टॉयलेट का रास्ता एक तरह से बन जाता है, इस रास्ते को बंद करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। तो सप्ताह में एक दिन अरंडी वाला जो है, कैस्टर ऑयल वाला, ये लेना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, शीशम का पेड़ होता है उसका पत्ता ले लीजिए, और नीम का पेड़ आपने देखा होगा उसका भी पत्ता ले लीजिए, बराबर मात्रा में लेके उसे पीस लीजिए, और पीस कर उसका घोल बनाकर उसे भी आप सुबह खाली पेट में ले लीजिए। इसका आपको लगातार सेवन करते रहना पड़ेगा। 15 से 20 दिन तक अगर आपने इसका सेवन किया तो आपका जो फीसर है और बवासीर है, ये बवासीर में भी काम करता है और ये फीसर में भी काम करता है, ये फिस्तुला में भी काम करता है और ये भगंदर में भी काम करता है। आप इसको अगर लगातार 15 से 20 दिन लेंगे तो आपके
ये सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको शीशम का पेड़ ना मिले तो गांव में एक मोरपंखी का पेड़ होता है जिसे शहर में क्रिसमस ट्री कहते हैं, झौवा का पेड़ भी कुछ लोग कहते हैं। लोग अपने घरों में या पार्क में सजाने के लिए इस पौधे को लगाते हैं। आप उसका 6 इंच का पत्ता काट लीजिए, उसका 6 इंच का चारों तरफ का चकोर लेना है, एक पत्ती नहीं लेना, और उसे पीस कर 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लेना चाहिए सुबह खाली पेट। ऐसा करने से भी आपके इस बीमारी में काफी राहत मिलता है और ये बीमारी आपके धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था दूधी का फायदा, दूधी के बारे में मैंने बताया था, जो बार बार टॉयलेट होता है जिनको, उनके लिए वो काफी फायदेमंद होता है। लेकिन ये दूधी जो है, ये दूधी बवासीर में, भगंदर में, फीसर में, इसमें भी काफी फायदेमंद होता है। क्या करें, ये जो दूधी का घास होता है, इस घास का 1 बित्ते का टहनी और पत्ता तोड़ लें, इसे पीस कर 1 कटोरी दही में मिलाकर उसमें थोड़ा पानी मिला दें और लस्सी बनाकर उसे पी जाएं। इसे पीने से आपका जो बवासीर, फीसर, भगंदर या फिस्तुला है, ये बीमारी में काफी लाभ मिलता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपका जख्म है, जो फोड़ा निकल आया है, उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो घाव है, कब्ज के कारण जो होना था अंदर का रास्ता, वो तो आपका इन सारे नुस्खे से दूर हो जाएंगे, लेकिन बाहर का जो घाव है, उस घाव को सुखाने के लिए आप क्या करें, 1 हल्दी, कच्चा हल्दी ले लें, कच्चा हल्दी को पीस लें और 1 मुट्ठी नीम का पत्ता, दोनों को अच्छे तरीके से पीस लें। पीस कर आपने इसे लगाना है, जहाँ पे आपके घाव हो गए हैं उस पर लगाना है। उस पर जब आप इसे लगाएंगे तो लगाने से आपके घाव में जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और घाव भी आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, इसको भी दबा दें ताकि आपको हर रोज़ नए नए हेल्थ टिप्स देखने को मिले और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।